यामी एक बात आपसे पूछनी थी, आपकी शादी में सिर्फ 20 ही लोग थे जी? कि जहाँ 20 लोग खड़े थे वहाँ आपने शादी कर ली? मेरे बिल्कुल इमीडिएट फैमिली थी और अच्छा। उनके भी इनफैक्ट मेरी जो नानी है वो सिर्फ 40 किलोमीटर दूर थी जहाँ पे मेरी शादी हुई, हिमाचल okay. में ही। ओके okay. बट उन्होंने कहा कि लिसन, जो प्रोटोकॉल है हम वही फॉलो करेंगे, आप शादी करो, आशीर्वाद मेरा यहीं से, हम यहीं से गाने गाएंगे घर में बैठ के, जो प्रोटोकॉल है लेट्स जस्ट मेंटेन दैट, एंड हो गई शादी। अरे वेरी गुड, वेरी नाइस। जब हमने शादी की थी हमने भी वो डिसाइड किया था कि सिर्फ एकदम क्लोज फैमिली को बुलाएंगे, लेकिन अच्छा। जो कपूर फैमिली जो है उनमें कम से कम 200 हैं क्लोज फैमिली में, तो थोड़ा वो पड़ गया। उनको क्लोज क्लोज भी आए तो 200 हो जाएंगे बिल्कुल। पर यामी ये मतलब ये सोची समझी साजिश थी कि कोरोना में शादी करेंगे खर्चा बचेगा, ऐसा? नहीं, एक्चुअली मुझे लगता है इसमें खर्चा ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अब सब बोल रहे हैं कि अच्छा शादी में नहीं बुलाया तो हम जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ हमें पार्टी चाहिए, आई थिंक उसमें ज्यादा खर्चा लग रहा है। तो आई थिंक यहीं पे सबको बोल देते हैं, जो देख रहे हैं आपका शो सब देखते हैं कि कहा सुनी माफ अगर किसी की, सब रिश्तेदारों को अगर आप नाराजगी है तो प्लीज माफ, हमें माफ कर दीजिए, माफ कर आशीर्वाद दीजिए। मुझे बहुत डर लगता है लेकिन ये एक्सपेंसिव शादी से, यू नो, है ना, मेरे 4 बच्चे हैं, मेरी मैं बहुत डर लग रहा है। आई थिंक सबको एक छोटी शादी करनी चाहिए। और नहीं बट वो तो खैर ये मजाक था, बट सच में अगर पैंडेमिक नहीं भी होता ऐसी शादी होती, ये बेस्ट है, एक्सीलेंट, बहुत अच्छी। आई एग्री। अच्छा मैं अपने दर्शकों को बता दूं, वैसे सब जानते ही हैं कि जैकलिन जो हैं ये पैदा बहरीन में हुई, घर इनका श्रीलंका में है, अच्छा। ननिहाल इनके जो हैं वो मलेशिया में है, पढ़ाई इन्होंने ऑस्ट्रेलिया से करी, फिल्में इंडिया में कर रही हैं। तो फाइनली पूरी दुनिया घूमने के बाद आपको कब रियलाइज हुआ कि असली मजा कपिल शर्मा शो में ही है? आई थिंक द फर्स्ट टाइम आई केम ऑन द शो वाज 2015। आई थिंक वही शो में हमने शादी किया ना, वो मैं कैसे भूल सकता हूँ, चाहे नकली शादी थी वो तो फोटो भी है मेरे पास, ये देखो सैफ सर, ये हमारी शादी हुई थी। बहुत इंटिमेट, बहुत इंटिमेट थी। पर वैसे जैकी देखो यामी की तो शादी हो चुकी है, सैफ सर भी शादीशुदा है, आपसे ही मैं ये सवाल पूछ सकता हूँ कि आपका कल परसों एक हफ्ते बाद दो हफ्ते बाद शादी का मन हो? एक हफ्ते बाद, दो साल बाद, डेढ़ साल बाद, ठीक है। तो लड़का कौन सी कंट्री का होना चाहिए? आई थिंक इंडिया से। कपिल इज अ वेरी हैप्पी मैन सडनली। तू फिर भी गिनती में नहीं आता है, तू परे हट। मैंने कुछ बोला? मैं तो ताली बजा रहा हूँ खुशी में कि वाह जैकलिन इंडिया में शादी करेगी। आप क्यों इतना जलती है मेरे से? तेरे से जलती नहीं हूँ मैं, गिन्नी की सहेली हूँ। हाँ बस, मैं गिन्नी की शुभ चिंतक हूँ। कितने पैसे लिए आपने उससे ये काम करने? अच्छा यामी, हमने कहीं सुना था किसी इंटरव्यू में या पता नहीं कहाँ पे कि यामी और आदित्य चाहते थे कि हम हनीमून पे अपनी फैमिली को साथ लेके जाएं। तो आपको किसी ने बताया नहीं कि फैमिली लेके नहीं जाते, वहां पे जाके बनाते हैं? आप जाए हनीमून पे या शादी करते फिल्मों में बिजी? शादी करते फिल्मों में बिजी, वो भी और मैं भी। दिस इज माय फिफ्थ फिल्म दैट आई एम वर्किंग ऑन राइट नाउ सिंस शादी। एक्चुअली हम दोनों ही थोड़े एक जैसे ही हैं इस मामले में भी, हम बहुत बिलीव नहीं करते इसमें अगेन टू ईच और हनीमून और यहाँ जाना ही जाना है। ठीक है, अगर टाइम मिलता है तो ज़रूर जाते हैं, और अगर जाते भी तो ये भी हम दोनों की शर्त थी दैट सब साथ में जाएंगे। मतलब ठीक है, इट्स नाइस ना, इट्स फन टू हैव फैमिली अराउंड एंड दैट्स इंटरेस्टिंग। या रियली? या ओके। सैफ और कपिल, तुम दोनों के बेबी अभी अभी हुए हैं। मैं तुम दोनों से जानना चाहती हूँ कि बच्चे के पालने के बारे में तुम दोनों कितना जानते हो। तो मेरे कुछ सवाल हैं। ओके, सो बोथ ऑफ यू, कपिल तू भी, बेबी को जब बर्प करना होता है हाँ तो कैसे करते हैं? ऐसे ऐसे, कभी ऐसे ऐसे, हाँ, थप, ऐसे, थप, ऐसे कपिल तू बता। दूध पिलाया जब उसको, उसको कंधे पे लगा के ऐसे, यामी ऐसे कीप वॉचिंग, अभी अच्छा। आपको काम आएगा। तो ऐसे ऐसे करते हैं, फिर बेबी छोटा सा करता है, फिर ठीक है। आपको असली में करने की क्या जरूरत थी? और अगर आपने बाप नहीं दिलवाया उसको तो फिर वो जो उसने दूध पिया वो दही निकालेगा बाहर। हाँ ये इट्स ट्रू, मैं काफी बाप करता हूँ।
So I think the baby learns from you how to burp. Yes. Okay, second सवाल एक और है. उसको जब you know that baby food खिलाते हैं ना, तो कभी-कभी ऐसा है खिलाते-खिलाते तुमने एक आध खुद ही खा लिया हो कि बहुत tasty है. कपिल ने तो किया होगा, तभी इसकी पेट ऐसे आ रहा है थोड़ा सा. Baby food खा के पेट नहीं निकलता, पहली बात तो ये है. और ये आप वाली आते हमारी नहीं, बच्चे के खाना खा जाओ. ऐसा होता कभी सैफ सर? पता नहीं, मैं शुरू-शुरू में मैंने किया होगा, मतलब फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम, लेकिन उसके बाद अभी जो newest arrival ke saath, I don't want to eat this boiled apple and all. Yeah. But Saif sir, wo jo bachchon ka wo packet wala doodh aata na, wo bada tasty hota hai. Main dark, thoda muh mein jam jata hai. Aise aise karke khana padta hai, par hota tasty hai. Ek din mein bachche ke diaper kitni baar badalne padte hain? 5 baar. Usse bhi zyada, I think. Newborn baby hai yaar, 20 times I think. Ha, 20 times ho sakta hai. Nahin, mein, matlab, depend karta hai bachche ki liquid intake kitna hai. कितना दूध पी रहा है, दूध ही पीते हैं बच्चे. 7-8 बार 8-9 बार. हाँ मतलब यार कपिल, तो मतलब गिन्नी ने अच्छा ट्रेन किया है तो जब बच्चे की गिन्नी ने क्या, मैंने खुद पाले दोनों बच्चे. हाँ ऐसे कैसे. अच्छा बच्चे का डायपर चेंज करना है और कब करना है कैसे पता चलता है? बच्चा रोएगा. हाँ दैट्स अ गुड वन. कपिल तू बता और कोई. आजकल नए डायपर भी आ गए. नहीं सुसु की स्मेल नहीं आती. बॉडी की स्मेल नहीं आती. आजकल नए वाले डायपर आ गए ना सर बच्चों के, वो एक लाइन होती है वो ब्लू हो जाती है, तो आपको पता चल जाता है कि डायपर चेंज करने का टाइम. वैसे भी 3-3 घंटे बाद बोलते हैं कि कर देना चाहिए. ये देखो मैं कितने विचार पेश कर रहे हैं, ऐसे बोलते हैं. देखो जमाना कितना बदल गया. हम दो लड़के बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, दो लड़कियां खामोश बैठी हैं यहाँ पे. अच्छा एक लास्ट सवाल की बच्चे को सुलाने के लिए फेवरेट गाना या लोरी कौन सी सुनाता है? अरे अलग अलग गाने हैं. हाँ वो वाला बोलो ना, द नेशनल लोरी सॉन्ग, लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी. हाँ मैं गाता था एक गाना, एक समर टाइम नाम का एक इंग्लिश लालोबा है और सारा बहुत छोटी थी उस टाइम पे. okay. उसने आग खोल के बोला अब्बा प्लीज डोंट सिंग. तो तब से मैं आई एम हैप्पी टू से बोथ द फादर्स हैव डन वेरी वेल. कांग्रेचुलेशंस. कोई गिफ्ट भी है कि खाली ऐसे ही सवाल पूछने दिया बस. ओके थैंक यू मैम. अच्छा जैकी हाउ वाज योर लॉकडाउन? लॉकडाउन में बहुत जूम मीटिंग्स और घर पे 8 बिल्ली है. तो 8 बिल्लियां रखी हैं आपने? हाँ. आपने रखी हैं, बिल्लियों ने आपको रखा हुआ है? एक्चुअली एक फैमिली है. सो स्वीट. तो वो बहुत अच्छा टाइम पास है. तो सैफ सर आप क्या किया लॉकडाउन? फर्स्ट लॉकडाउन मैंने फ्रेंच और कुकिंग सीखी, सेकंड लॉकडाउन में बच्चा. वेल डन सैफ. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. यस कपिल नोज, कपिल नोज, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. टू लॉकडाउन्स, टू बेबीज. यामी आपने लॉकडाउन में क्या किया फिर? पहले लॉकडाउन में तो जैसे सबने कुकिंग, सब शेफ बने हुए थे घर पर, योगा, पेंटिंग, स्केचिंग, रीडिंग, वॉचिंग, बहुत कुछ. मतलब मुझे लगता है नॉर्मल दिनों से ज्यादा बिजी होती थी लॉकडाउन. मुझे लगता है फर्स्ट लॉकडाउन वाज सेकंड लॉकडाउन में शादी कर ली. वेरी गुड टाइम मैनेजमेंट. तो दोस्तों लॉकडाउन जो है, अगर आप चाहते हैं कि तीसरी बार ना लगे, तो ये अब जिम्मेदारी जनता की है. yes. तो आप लोग जितना जल्द हो अपना वैक्सीनेशन जो है वो कंप्लीट करें, दोनों डोज लें और उसके बाद भी मास्क वास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें. बहुत बहुत धन्यवाद. हेलो. तिवारी तिवारी तू 10 मिनट वहां पे रुक, मैं पहुंच रहा हूँ. हाँ एक मिनट जरा होल्ड कर रहा. ये क्या कर रहे हैं आप? मैं दरवाजे पे ताला मार रहा हूँ. आप भी घर से निकले ताला जरूर मारे. यहाँ बड़ी चोरियाँ हो रही है यहाँ पे आजकल. ओह माय गॉड. अरे यार तिवारी, आज पता नहीं हमारे मोहल्ले में बहुत सारे अमीर लोग एक साथ आ गए हैं. मैं तेरे को बाद में कॉल करता हूँ. मैं करा सिटियल बैठ देख लो, पूरे आते हो तो बैठ जाओ. भूत पुलिस की कास्ट के लिए जोरदार तालियां हो जाए यार. वाओ वाओ, आई एम सो हैप्पी. व्हाट सेव जी,
आपको बेटा हुआ आपको बधाई हो. थैंक यू. यामी जी आपकी शादी हुई आपको बधाई हो. थैंक यू. जैकलिन जी आपको अच्छा सा लड़का मिले आपकी सगाई हो. और उसके बाद मैं आपको मैसेज करूं और कहूं बधाई हो. ये देखा आपने साहब भाई क्या लिख के रखा है उन्होंने अपने घर के बाहर. ये क्या बेहुदा चीज क्या नीचे लिखी है. करेंगे कांड करेंगे आप संभाल लेंगे. संभालेंगे हम संभाल लेते हैं. एनी केस यू हैव एनी प्रॉब्लम यू लेट मी नो आई विल हैंडल इट. क्योंकि मैं कोई ऐसा वैसा वकील नहीं हूँ. मैं उच्च रोटी का वकील हूँ. उच्च रोटी नहीं उच्च कोटी का होता है. नहीं नहीं कोटी का होता है लेकिन मैं एक आध रोटी के लिए भी केस हाथ में ले लेता हूँ. तो मैं उच्च रोटी का वकील हूँ. सैम जी यू बी रियली हैप्पी टू नो कि मैंने लेटली मैंने ना एक भूत का केस अपने हाथ में लिया है. हाँ आई एम इज वकील. अब भूतों का कौन होता है वकील. अच्छा भूतों की पुलिस हो सकती है. भूतों का वकील नहीं हो सकता. व्हाट लॉजिक पॉइंट. और अच्छा हुआ सैफ जी आप मुझे यहीं पे मिल गए वरना इस भूत के केस के किलसिले में मैं आपके पास आने ही वाला था. किसके किलसिले में. मैं भूतों के केस के किलसिले में. किलसिले नहीं सिलसिले. सिलसिले 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 होते नहीं है तो सिलसिले बन जाते हैं. हाय हाय. अच्छा आप ये हेडफोन उतार क्यों नहीं देते. वैसे जैकलिन जी आपको अपने किसी डायरेक्टर की फिल्म बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगी क्या कभी. नहीं मतलब आपने कभी किसी डायरेक्टर से शादी नहीं की इसलिए पूछ रहा हूँ. वैसे इफ यू वॉन्ट आई एम जस्ट गिविंग एन ऑफर. मैं भी आपके लिए एक फिल्म डायरेक्ट कर सकता हूँ. No, Jackie, no, don't take the offer, Jackie. Don't do it. Don't do it. कर सकता हूँ. डायरेक्शन आता है आपको. नहीं मुझे प्यार आता है. वैसे इसी मोहब्बत के चलते जैकलिन जी मैं आपको एक पप्पी देना चाहूंगा. What? नहीं नहीं. अरे यार आप गलत मत समझिए. गलत मत समझिए मैं लाया हूँ ये. ये वाला पप्पी मैं आपको देना चाहूंगा इफ यू डोंट माइंड. ओह होता है यार. वैसे पप्पी की कोई गलत बात नहीं है. इतना क्या आप रिएक्ट करते हैं. मेरे मम्मी पापा भी पप्पी करते थे. नहीं मतलब मेरी मम्मी मुझे यहाँ पप्पी करती थी पापा यहाँ पप्पी करते थे. तो इधर वैक्यूम कौन कर गया आपका. हमारे गेस्ट परेशान होते आपकी नहीं बातों से. नहीं 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 गेस्ट कभी परेशान नहीं होते. गेस्ट मेहमान होते हैं. तो मेहमान और गेस्ट एक ही बात होती है ना. मेहमान और गेस्ट एक ही होते ना. अगर एक ही होते हैं तो आपने तीन क्यों बुलाए हैं. आपको सीधी सीधे कोई बात समझ में नहीं आती क्या. यार मैं आई मीन आई एम ट्राइंग यार. इट्स अ प्रोसेस. हर बात को समझने में वक्त लगता है. इट्स अ प्रोसेस. इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस बिकॉज प्रैक्टिस परफेक्ट मेक मैन. मैन द परफेक्ट मैन प्रैक्टिस. मेकिंग द परफेक्ट मैन प्रैक्टिस इज परफेक्ट. प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट. ये होता है. होता होगा यार. पर तुम देख रहे हो मोटा आदमी इतनी कोशिश कर रहा है. करने दो ना थोड़ा. जैकलिन आप रिलैक्स होकर बैठ जाइए ना. रिलैक्स फाइन. जैकलिन जी कल मैंने दिल तो पागल है देखिए आपकी बड़ी याद आई. ओके व्हाई क्यों. ये तो दिल तो पागल है मैं तीन ही. हाँ लेकिन मेरा दिल तो इन्हीं के लिए पागल है ना. क्योंकि अब बाकियों ने तो भी डायरेक्टर से शादी कर ली ना. नहीं मैं एक चीज याद आज टेक्निकली आई वॉन्ट टू नो कि अगर आप डायरेक्टर हैं तो फिल्म पे फोकस करो ना यार. हीरोइन पे फोकस क्यों कर रहे हैं. अगर डायरेक्टर हीरोइन पे फोकस करेगा तो फिर हम क्या करेंगे. नहीं सैफ जी विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू हीरो हीरोइन से शादी कर रहे थे. अब डायरेक्टर भी हीरोइन से शादी कर रहे हैं. ऑडियंस कहाँ जाए. हमारे बारे में कोई नहीं सोचता. ऑडियंस इज लोनली. पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें.